धन्यवाद तोस जी। आज के इस एक दिवसीय बड़वाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी और कोरिया जिले की आन बान और शान संजय सुजान भाई संजय कमरो जी, मंच में भी राजे संभागीय अध्यक्ष भाई जयनाथ के राम जी, बड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई कुलदीप प्रजापति जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई इश्तियाक अहमद जी और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई अदित राज देविक जी, तमाम मंचस्थ अतिथि गण और गोड़वाना के जाबाज सिपाहियों, आप सभी का इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, प्रमुख रूप से दो मुद्दों को लेकर आज का यह विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है और मैं इस सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्रिपेन के प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूं, इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या क्या यही राम राज्य की कल्पना है? क्या इसी राज्य राम की कल्पना को आप मान रहे हैं कि एक आदिवासी का घर गिराकर आप अपने मान रहे कि राम राज्य आ गया है? शायद ऐसी राम राज्य की कल्पना नहीं है और हम ऐसे राम राज्य की कल्पना में विश्वास भी नहीं रखते हैं। मित्रों, प्रदेश में आदिवासियों के हितों की रक्षा और उनकी रक्षा करने में प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोरिया से लेकर बस्तर तक आप आए दिन पेपरों में, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि इस प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है और क्या दशा है। प्रदेश का आदिवासी, जिले का आदिवासी किस दिशा की ओर जा रहा है और उसकी कौन सी दशा है, ये आप और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर ये गाल बजाने वाली सरकार आदिवासियों के नाम पर जन कल्याणकारी योजनाओं की लगातार घोषणा करने वाली सरकार सिर्फ एक झूठा छलावा कर रही है प्रदेश के आदिवासियों के साथ। आज प्रदेश में दलित वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, आज प्रदेश में आदिवासी जनजाति को टारगेट किया जा रहा है। इन सब चीजों को समझना होगा। आज अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, अंतिम छोर का व्यक्ति यहां बैठा है। आपकी नीतियों के खिलाफ आप किस अंतिम छोर में बसे व्यक्ति के विकास को बात पहुंचाने वाले, विकास करने की बात करते हैं आप? प्रदेश में जो भी नीति आप बना रहे हैं वो आदिवासी के कल्याण के लिए नहीं है। समाज आज जिस दिशा की ओर जा रहा है, देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, आज एक बेचैनी का माहौल है, एक असुरक्षा का भाव है। हमने आपकी सरकार है, आप 15 साल से, इन 15 सालों में आपने आदिवासी हितों के लिए क्या किया है ये आपको बताना पड़ेगा। बस्तर में हमारे वीर शहीद सैनिक आज दिन मर रहे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि वो सरकार भी ऐसी
नीतियों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है कि नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो, आतंकवाद इस देश से समाप्त हो। हालिया के बयान लगातार मैं देख रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक साल कोई कमीशन नहीं पाएगा। ये बयान अपने आप में एक शर्मनाक बयान है और इसकी गोलवाले गठबंधन पार्टी पूरी तरीके से निंदा करती है और इसको दुर्भाग्यजनक मानती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दिवालिया पर मानसिक दिवालिया पर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मित्रों, वर्षा डोंगरे का भी कुछ ऐसा ही मामला है। प्रदेश में एक दलित वर्ग को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उसको हटाया गया, सिर्फ क्या सच बोलना, सच लिख देना, इस प्रदेश में पत्रकार अधिकारी समाजसेवी संगठन सच बोल नहीं सकते, सच नहीं लिख सकते। आज इनके रक्षा करने में चाहे पत्रकार हो सरकार की भी, देख लीजिए पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमको ऐसी ताकतों को, ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाना है और पूरी एकता के साथ हम आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। मंच पर विराजे अतिथि को एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जय सेवा, जय पराक्रम, राज करेगा कौन वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य सुरेंद्र अग्रवाल जी, युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष गोंडवाना गठन पार्टी जिला कोयला छत्तीसगढ़। साथियों, अब मैं हमारे बीच में बहुत दूर